अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड बाय आयशा। एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्विस्ट रोल। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 चुटकी अजवाइन, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक। थोड़ा सा पानी डाल के भून देंगे। तीन चार मिनट तक भूनेंगे। अब इसको स्टे देंगे। 20 मिनट बाद हम इसके रोल बना लेंगे। आलूओं को धोकर मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने मैश करके रख दिया आलू। ये हमारे पास है एक प्याज, हरी मिर्च, गाजर, कैप्सिकम और हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। मैश हुई हुई तमाम वेजिटेबल हमने डाले हैं। 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 2 लेमन का जूस हम शामिल करेंगे इसमें। हम 2 पेड़े बना लेंगे बराबर के। हमने 2 एक साइज की रोटियां बना ली हैं। अब इस तरह इसमें रखेंगे, पतला पतला सा हम फैला लेंगे। बस आपने ये ध्यान ये रखना है कि कहीं से भी ज़्यादा मोटा, कहीं से ऐसा ना हो, कहीं से पतला कहीं से मोटा, हर जगह से एक जैसा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से ये फैला लिया और दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और इसे ऐसे करके लॉक कर देंगे। बीच में से आधा करेंगे। ऐसे कट कर लेंगे। यहां से भी हम कट करेंगे एक जैसा। आपने ये ज़ाया नहीं करना, आपने इसको भी फ्राई कर लेना जो ये हम कट कर रहे हैं। ये देखें, आपने इसे ऐसे पकड़ना और ऐसे रोल कर देना। ये ऑयल हमारा फुल गर्म हो गया, देखें माशाल्लाह। ये हमारे स्विस रोल बनके तैयार हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा, याद होके जी, अल्लाह हाफिज़।